राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार सुर्खी में रहने की वजह कुछ और है। दरअसल बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव को सोमवार को दो नंबर से धमकी भरे कॉल आए हैं। जी हां, तेज प्रताप यादव ने इसे लेकर थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज की है। पूरा मामला क्या है और तेज प्रताप यादव को किसने और क्या धमकी दी है, सब समझाते हैं आपको। नमस्कार, मेरा नाम है श्रुति झा और आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड। औरंगाबाद में लालू राबड़ी बाइक एजेंसी है, जहां एक युवक सर्विसिंग कराने आया था। इसी दौरान उसका एक स्टाफ से विवाद हो गया, जिसके बाद उस युवक ने अपने दोस्तों के साथ तेज प्रताप की बाइक एजेंसी पर पथराव कर दिया। स्टाफ ने इसकी शिकायत थाने में की, जिसके बाद गुस्साए युवक ने मंत्री तेज प्रताप यादव को फोन कर धमकी दी है और वार्न किया है कि जल्द से जल्द ये शिकायत वापस ले। ये बाइक एजेंसी नगर थाना क्षेत्र के कामा बिगहा के पास है। इस मामले में तेज प्रताप के स्टाफ ने सोमवार को ही थाने में आवेदन दिया है। इसमें बताया गया है कि FIR दर्ज होने के बाद तेज प्रताप यादव को दो नंबर से धमकी भरे कॉल आए, केस को रफा दफा करने की धमकी दी जाने लगी। वहीं एजेंसी के कर्मियों ने बताया कि सोमवार को वहां एक युवक पहुंचा और समय से पहले बाइक सर्विसिंग करने को लेकर झगड़ने लगा। उसने कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया और बाद में बाहर निकलकर शोरूम पर पत्थरबाजी की। इस दौरान उसने कई लड़कों को भी बुलाया। पत्थरबाजी में शोरूम का शीशा तक टूट गया और नई बाइकों को भी काफी नुकसान हुआ, जिसके बाद कर्मियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। उधर घटना के बाद तुरंत पत्थरबाज युवक फरार हो गया। इस मामले में एजेंसी के केयरटेकर अजय यादव ने नगर थाना में FIR के लिए आवेदन दिया। फिर नगर थाना में FIR दर्ज की गई, जिसमें शहर के कामा बिगहा निवासी निरंजन कुमार सिंह और उसके दोस्तों को आरोपी बनाया गया है। इधर इस मामले को लेकर पुलिस कर्मियों का कहना है कि इसको लेकर जांच की प्रक्रिया जारी है, जल्द ही इस मामले में सभी आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मंत्री को धमकी देने के मामले की भी जांच हो रही है। इस मामले में जल्द ही आरोपी को अरेस्ट कर लिया जाएगा। फिलहाल खबर समा। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और साथ साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।